हेलो, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। कैसे हो आप सब? आपका जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर ऑल योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको ये ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, आपको वीडियोस तो देखने ही पड़ेंगे, उसका जो वर्क है वो भी करना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी आ सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में हमारा जो सेकेंड चैप्टर था, जैसा सवाल वैसा जवाब, वो कंप्लीट हो गया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो इसका नाम है पेज नंबर 11, चैप्टर नंबर 3, किरमिच की गेंद। देखो, चैप्टर 3, किरमिच की गेंद। किरमिच का मीनिंग होता है मोटा कपड़ा, और उसकी गेंद की बात करी है। अब क्या है कहानी देखते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी, क्या था? समर वेकेशंस था, जो आपका मई, अप्रैल और मई का आता है, वो समर वेकेशन था। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। क्या हुआ कि जो गर्मी की छुट्टियाँ थी, यानी कि जो समर वेकेशन था, उसमें स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है दिनेश। वो क्या कर रहा था कि अपने घर में बैठकर कहानी है कुछ पढ़ रहा था, यानी कोई स्टोरी रीड कर रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। क्या हुआ कि जब ये स्टोरी पढ़ रहा था, तो क्या हुआ कि उसका जो हाउस और उसका जो घर था, उसके पीछे कुछ, उसके जो शायद पेड़ होगा वो पत्ता है, ऐसे कुछ हिलने लगा और कुछ वस्तु है वो वहाँ पड़ी बगीचे में, जो पाछड़ जो पीछे उसके घर में जो गार्डन था पीछे, वहाँ दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। क्या हुआ फिर दिनेश था वो पहचान गया कि वो वस्तु है, वो क्या गिर सकता है, वो शायद उसको कुछ अब अंदाज़ा आ गया था। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। फिर क्या हुआ कि उसको जब अंदाज़ा आ गया कि ये कोई जो चीज़ है वो हो सकती है, तो फिर उसने क्या किया कि वहाँ भागने लगा, उस वो वस्तु थी उसकी ओर दौड़ दौड़ लगाई कि यह क्या हो सकता है, यानी कि वो कहाँ गया, बगीचे में, क्योंकि वस्तु है वो वहाँ गिरी थी। क्या कहते हैं, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो, बाहर लू चल रही है। जब ये दिनेश ना उसके कमरे से भाग के निकला ना, तो उसकी मदर ने उसको रोका और थोड़ा सा टोका। क्या कहती है, अरे अरे बेटा, कहाँ जा कहाँ रहे हो तुम, इतनी भाग के, बाहर तो लू है। जनरली हमें पता है कि जो समर सीजन है तो लू कुछ ज़्यादा ही लगती है दोपहर के टाइम पर। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। क्या हुआ, उसकी मदर है वो कुछ शायद कुछ स्टिचिंग हो या फिर ऐसा काम कर रही होगी, और ये दिनेश है ना वो भाग कर निकला और एकदम जोर से बोली, मशीन की आवाज़ भी पीछे हट गई है, इतना जोर से बोले। लेकिन क्या हुआ, ये दिनेश है कुछ रुका ही नहीं, परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। देखो, इसको कितनी है वो रश थी वहाँ पहुँचने की, वो वस्तु क्या थी, क्या उसको इतनी पसंद थी, क्या उतना इतनी अच्छी लग रही थी, तो उसने क्या किया कि इतनी धूप में, पहले तो दोपहर का टाइम है तो लू थी, फिर उसकी मदर ने मना किया, फिर उसने क्या, इतनी जल्दी थी ना तो वो अपनी चप्पल भी पहनना ही भूल गया। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। कौन सा मंथ था, जून का महीना था। हमको पता है कि जो स्टार्टिंग का जून होता है 1 to 15, वो जनरली आपका वेकेशंस का टाइम है और धूप भी कुछ होती है ज़्यादा, इसलिए धरती तवे की तरह तप रही थी। जैसा हमारे घर पे कुछ चूल्हा पर तवा तपता है, उसी तरह ये धरती भी तप रही थी, इतनी गर्मी थी। पर दिनेश को
पैरों के जलने के भी चिंता नहीं थी। क्या हुआ कि दिनेश को ये कुछ परवाह ही नहीं थी कि मेरे पैर जले, गर्मी है, जून का महीना है, लू लगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे कुछ था, धूप से नुकसान हो जाएगा, ऐसी उसको कोई परवाह नहीं थी उसकी। वहां जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला, लेकिन उसको फिक्र सिर्फ कौन सी थी कि जहाँ उसका जो आवाज है वो आया था उसको उसकी ही परवाह थी, दूसरों की कुछ परवाह नहीं थी कि मेरे पैर है वो जल जाएंगे चप्पल के बिना, जो धूप है वो मुझे लू लग सकती है। उसकी मदर ने उसको रोका, फिर भी उसको कोई परवाह नहीं थी। आगे सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और फिर क्या हुआ, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। फिर क्या हुआ कि जो दिनेश था उसकी जो वस्तु उसको लेने के लिए जा रही थी वहां क्या था, भिंडियों यानी कि लेडीज फिंगर, अब जिसको बोलते हो भिंडी की सब्जी ज्यादातर, तो वो क्या थे, भिंडियों के पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्या हुआ कि एक और क्या था कि जो सीताफल थे जिसको आप स्वीट एप्पल कह सकते हो इंग्लिश में, स्वीट एप्पल, उसकी घनी बेल फैली हुई थी यानी कि वो बहुत, तो उसका जो बेल थी वो फैली हुई थी चारों ओर, जैसे वेल होती है वेल, उसकी भी ऐसे फैली हुई थी, तो सीताफल का भी कुछ ऐसा ही था। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। देखो गार्डन में फिर और क्या था कि केले के वृक्ष हरे हरे, हमको पता है कि जो केले का जो वृक्ष होता है, जो उसके पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं और हरे रंग के होते हैं, और वो जो पेड़ है वो थोड़ा सा मीडियम होता है, वो इतना हाइटेड नहीं होता केले का, तो वो केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। क्या किया कि जो बगीचे में जो भिंडियों के पौधे थे उसको ऐसे उलटने पुलटने लगा, उसको बिखरने लगा थोड़ा सा, और बीच बीच में देख रहा था कि वो चीज़ क्या है, वो जो पेड़ है उसको, जैसे हम कर हमारा भी कोई, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी जो गेंद है वो पेड़ के पीछे चली जाए, तो आप भी कैसे उसकी जो डालियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसको बिखरते हो। दिनेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। फिर क्या हुआ कि जो उसने ये भिंडियों के जो पौधे थे वो तो उसने बिखरे, लेकिन वहाँ तो उसको कुछ भी मिला नहीं, तो फिर उसने क्या किया कि जो सीताफल के बेल थे वो भी छान मारी, यानी कि वहाँ पे देख लिया सभी और कि क्या कोई कुछ है यहाँ और नहीं। फिर क्या है, बराबर में ही घुसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। क्या हुआ कि बराबर में घुसने गड्ढे बना रखे थे। एक गड्ढे का मीनिंग क्या होता है, कुछ क्या कहा, बराबर में ही घुस का क्या होता है कि जो मॉल्स जिसको बोलते हैं, और जो चूहा जैसा रात को हमें दिखने को मिलता है वाइट कलर का, उसे घुस कहते थे। उसने क्या कहा था, कुछ गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। फिर क्या, वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचा, जहाँ ये घूस ने गड्ढे बना रखे थे, और गड्ढे के ऊपर उसकी जब नज़र पड़ी तो उसने क्या देखा, चमचमाती किरमिच की गेंद। किरमिच का मीनिंग मैंने जैसा आपने बताया था कि मोटा सा कपड़ा और उसकी गेंद यानी कि कपड़े की गेंद वहां पड़ी हुई थी।
तो हमने इस यहाँ आज के लिए हम यहाँ यहाँ तक हमारा चैप्टर है वो कहानी यहाँ तक ही रखते हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। आप एक और दो बार यहाँ तक पढ़ना सुनना, इसलिए आपको कहानी में क्या है वो पता चल जाएगा। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन।